फिर टूटा आरसीबी का खिताब जीतने का सपना, प्लेऑफ में इन चार टीमों ने बनाई जगह। गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आईपीएल 2023 के आखिरी लीग मैच में 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ फाफ डुप्लेसी की अगुवाई वाली आरसीबी का सफर जारी टूर्नामेंट में ख़त्म हो गया। बेंगलोर की हार के साथ मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम बन गई है। इससे पहले गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल 2023 के 70वें मुकाबले में विराट कोहली के शतक की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 197 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने शुभम गिल के नाबाद शतकीय पारी की बदौलत 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 158 रन बनाकर ये मैच अपने नाम किया। आईपीएल 2023 का क्वालिफायर वन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मंगलवार 2023 को खेला जाएगा, जबकि एलिमिनेटर लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच बुधवार को 24 मई को होगा। 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात को तीसरे ओवर में पहला झटका लगा। साहा 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शुभम गिल ने विजय शंकर के साथ मिलकर दूसरे ओवर के लिए शतकीय साझेदारी की। विजय शंकर 35 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। सना का खाता भी नहीं खोल सके मिलर ने 6 रन बनाए। एक छोर से शुभम गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और आखिरी ओवर में छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई और जारी सीजन में अपना लगातार दूसरा शतक लगाया। इससे पहले बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने आईपीएल में अपना लगातार दूसरा और कुल 7वां शतक जमाया, जिससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दूसरे छोर से विकेट गिरने के बावजूद गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेट पर 197 रन बनाए। सनराइजर हैदराबाद ने के खिलाफ पिछले मैच में शतक जड़ने वाले कोहली ने 61 रन नाबाद बनाए। बारिश के कारण लगभग 1 घंटे देरी से शुरू हुए खेल में टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी की टीम ने धीमी शुरुआत की तथा पहले 2 ओवर में केवल 10 रन बनाए। फाफ डुप्लेसी ने मोहम्मद सभी पर 4 चौके और कोहली ने एस दयाल पर 3 चौके लगाकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में उपस्थित दर्शकों में जोश भर दिया। आरसीबी ने पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 62 रन बनाए। डुप्लेसी हालांकि बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 19 गेंदों पर 28 रन बनाकर नूर अहमद 39 रन की गेंद पर कैच देकर पवेलियन लौट गए। मैक्सवेल ने 11 रन, अहमद के इस ओवर में छक्का और चौका लगाकर, लेकिन राशिद खान ने 24 रन देकर अगले ओवर में आउट कर दिया।